हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस पे ब्लॉग में आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के अभी 3 बज रहे हैं, जो मैं फ़िलहाल अभी छत पे हूँ। तो अभी मैं जा रही थी कुछ रेसिपी बनाने, चावल के एक अनोखे मिठाई है जो गाँव में स्पेशली बनाए जाते हैं। तो आज मम्मी बनाने जा रही है, मैं और मम्मी दोनों मिल के। तो आपको सबसे पहले दिखाते हो, ये देखिए मेरे बेटा को क्या कर रहा है। आयुष, वहाँ क्यों चढ़े हो आप? क्यों चढ़े हो वहाँ पे? गिर जाओगे ना? नहीं। चलो गिरो, गिर जाओगे, उतरो नीचे। नहीं। तो ये देखिए, ये है शैतान बच्चा मेरा। तो ये बदमाशी दिन भर करते रहता है इसी तरह। ये देखिए कैसे चढ़े हैं, तो बहुत ही शैतान है। तो आयुष, आपको अच्छा लग रहा है उस पर चढ़ने? अच्छा लग रहा है? गिरोगे तो? गिरोगे तो गिर नहीं जाओगे? हाँ नहीं मम्मा। हाँ नहीं मम्मा। अरे बाबा रे बाबा, रेडी करने जा रहा है फ्रेंड्स। तो ए फॉर एप्पल, बॉय। अच्छा जी, सी फॉर बॉय, कैट। मामा का नहीं तो सी कैट बॉय। ओके बॉल। और सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। D for dog. D for dog. E for eel. Elephant. Elephant. F for pen. F for pen. G for gun. Jis kyun? कैसे बोलते हैं गन? कैसे कहता है? Jis kyun? वो ऐसे करता। H for hen. H for hen. Hen कैसे बोलते हैं? Kuku. I for ice cream. J for jug. J for swan. K for kite. K for kite. L for lion. L for lion. Lion किसे बोलता है? Lion किसे बोलता है? S for police. S for police. M for mango. M for mango. N for nest. N for nest. O for orange. बोल बोल बोल। पी फॉर पैरोट। अब नहीं इसे पढ़ना हो गया स्टडीज का। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं रेसिपी बनाने। तो चलिए, इसका तो ऐसे करते रहेगा ये बदमाशी, और ये शैतान तो बहुत हो गया है यहाँ आने के बाद, ज़्यादा हो गया है। तो चलो बनाने जा रहे हैं रेसिपी, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल लिया है, जैसे रात को ही भिंगो के छोड़ दिया था, और सुबह थोड़ा सा धूप में दे के सुखा लिया, और इसे देखिए मिक्सी में मैंने पीस लिया है। तो ये पाउडर फॉर्म में हो गए हैं। तो अब यहाँ मम्मी चलनी से इसे चाल लेगी, ताकि अच्छी तरह से मोटे मोटे जो चावल होते हैं ना, इसके अंदर ना जाए। तो इस तरह से मम्मी चाल रही है, और अच्छी तरह से बन के तैयार होती है। इस तरह से चालेंगे ना तो अच्छी तरह से बनेगी हमारी मिठाई। तो इस तरह से चाल रही है मम्मी। और यहाँ पे लगभग 4 किलो फ्रेंड्स चावल को रात को भिंगो के इस तरह से हल्का सा धूप में दे के सुखा लिए थे। यहाँ पे देखिए पानी कढ़ाई में, और थोड़ी सी यहाँ पे गुड़ दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ 4 किलो चावल में जो मिठाई बना रहे हैं, इसमें 2.5 किलो गुड़ लगे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर रही है मम्मी, इस तरह से स्पैचुला से मिला रही थी, ताकि गुड़ और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये इस तरह से मिक्स कर रही है, और ये देखिए पाक बन गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जिस तरह से तिल संक्रांत में बनते हैं ना लड़ुआ, मूढ़ी का, चूड़ा का, बादाम का, उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट बनने जा रही हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको पूरी समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से पाक हो रही है। ये देखिए गुड़ और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, और कितनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। यहाँ पर मम्मी प्लेट एक ले लिया, उसमें पानी ले लिए, ताकि वो देख रही है पाक बने या नहीं बने हैं। तो ये देखिए हाथों से किस तरह से उसे दबा के देख रही है। तो गोल बन जाएंगे ना फ्रेंड्स, पानी यदि गुड़ छोड़ देंगे तो समझिएगा कि हो गए। तो यहाँ पर देखिए बादाम और काजू, किशमिश, और यहाँ पर इलायची, सबको पहले से कूट के रख लिए थे हम लोग। यहाँ पे इस तरह से दे देंगे, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मम्मी किस तरह से मिक्स कर रही हूँ।
और इसे चलाते रहना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए जो चावल मैंने जो पीसा था मिक्सी में, इस यहाँ पे दे देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, गुड़ और चावल एक जैसा बन के तैयार हो गई है। अब इसे गरम गरम ये देखिए निकाल लिए हैं और इसे अच्छी तरह से घुमाएंगे ताकि चिपके ना कढ़ाई में हमारी। इस तरह से घुमा घुमा के मम्मी चला रही है। अब इसे हम जा रहे हैं एक बर्तन में रखने के लिए। ये गरम है फ्रेंड्स, अभी थोड़ी हल्की ठंडी हो जाएगी तब इसका मैं मीठा हम लोग मिठाई बनाने शुरुआत करेंगे। ये देखिए इस तरह से बर्तन में निकाल लेंगे और फिर दूसरा इसी तरह प्रोसेस होने जा रही है। तो पानी और गुड़ इस तरह से फ्रेंड्स, ये गुड़ बिल्कुल गीला है, हम लोग की तरफ तो पत्थर वाला मिलता है। यहाँ देखिए गांव में गीला गुड़ मिलता है जो बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं और अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो देखिए उसी तरह दूसरा प्रोसेस भी उसी तरह हुआ है जो पहला में फर्स्ट बार में किए थे। तो यहाँ पे कढ़ाई में गर्म होने के लिए दे दिए और यहाँ पे देखिए दोनों निकाल के रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सरसों तेल का यूज किया जा रहा है, सरसों तेल से बहुत ही अच्छा बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बनने जा रहा है हिलसा। ये देखिए प्लेट में थोड़ी सी पानी ले लिए हैं और इस तरह से हाथों से मुट्ठी बांध के इस तरह से बना रहे हैं ताकि अच्छी तरह से चिपके ना हाथों में। प्लेट पानी लेने यहाँ पे देखिए कढ़ाई में इस तरह से दे दिए हैं और इसे लगभग पकने में 2-3 मिनट लगते हैं। तो एक मम्मी अभी देख रही है कि अच्छी तरह से गर्म हुए हैं या नहीं तेल। और यहाँ पे गाँव में सबसे पहले क्या कुछ भी पकवान बनते हैं तो एक निकाल के अग्नि देवता को अर्पण जरूर करते हैं। तो ये देखिए एक निकाल लिए हैं और अग्नि देवता को अर्पण कर देंगे। उसके बाद मम्मी के सारे एक ही बार 3-4 दे देंगे। इस तरह से मुट्ठी बांध के हाथों में पानी लेके मुट्ठी बांध के इस तरह से लेके कढ़ाई में दे रहे हैं। तो उसे पकने में 5 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारा डेरी है तो उसे टाइम लगेगी पकने में थोड़ी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और ये देखिए बाजार से भी बेहतरीन हिलसा बन के तैयार हो रही है। यहाँ पे हिलसा बन के तैयार हो रही है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने पहली बार देखा है इस तरह से हिलसा बनते हैं। तो अक्सर मम्मी भेजा करती थी दिल्ली में, कोई भी आते थे गाँव तो मैंने बोला था मम्मी एक बार हिलसा बनाइए, थोड़ा मैं देखूँ किस तरह से बनाते हो, मैं भी सीख लूँ। तो आज मैंने मम्मी से सीख लिया हिलसा बनाना। तो ये देखिए इसे पलट लेंगे ताकि अच्छी तरह से दोनों तरफ से पक जाए। इस स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसे पलट रहे हैं, किस तरह से पलट रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से ब्राउन हो रहे हैं और कितनी अच्छी लग रही है खाने में फ्रेंड्स, उतनी टेस्टी है। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा घर में इस तरह से मम्मी ने हिलसा बनाया और बहुत ही मेहनत से बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो लाइक करना ना भूलें। तो ये देखिए किस तरह से अभी से जा रहे हैं हम निकालने के लिए। ये देखिए इस तरह से एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे और तेल में जितने पड़े हुए हैं सभी को अच्छी तरह से निकाल लेंगे स्पैचुला से। ये देखिए और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बनके तैयार हो गई है। तो मैं जा रही हूँ बर्तन में रखने। ये देखिए किस तरह से लग रही है देखने में, खाने में इतनी ही टेस्टी है। जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो मैं आपको जा रही हूँ दिखाने। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से दोनों तरफ से पकी है, ना जली है ना कच्ची है। तो मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बड़े बच्चे बूढ़े सभी लोग खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।